हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। और एक्सेल में क्या खास है, आइए आपको दिखाता हूँ कि आज हम एक्सेल में क्या सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये एक्सेल मैंने ओपन किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा डेटा हमारे पास है। अब इसको मैं सही कर देता हूँ, डबल क्लिक कर लूंगा तो ये रिसाइज हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट और बगल में लिखा हुआ है मार्क्स इन परसेंट। तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इन्होंने परसेंट में मार्क्स पाए हैं वो डिटेल यहाँ पे दी गई है। हम क्या करने वाले हैं आज के इस क्लास में कि हम रैंक एवरेज फॉर्मूला लगा के देखेंगे। अब ये रैंक नहीं है, रैंक एवरेज फॉर्मूला है और ये कैसे कैलकुलेट होगा ये देखते हैं। इज इक्वल टू रैंक लगाएंगे, आर ए एन के, रैंक हो गया। और ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये रैंक डॉट एवीजी फॉर्मूला है, फंक्शन है। तो ये जो है इसी को हमें यूज करना है, तो इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, ये आ जाएगा। अब कह रहा है नंबर, तो नंबर में हम क्या देंगे, नंबर में हमें एक चूज करना है, सबसे पहला वाला ये चूज करना है, ठीक है। इसको हमने चूज करा, उसके बाद कॉमा लगाना है और कॉमा लगा करके ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर जाइएगा। ये वाली पूरी रेंज जो है इसको सेलेक्ट करिएगा और F4 दबाने से क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। देखिए, रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर एड हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और आपको प्रेस करना है एंटर। तो जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो इनका रैंक आ रहा है पांचवा, ठीक है। अब डबल क्लिक करते हैं तो देखिए किनका पहला है किनका दूसरा है, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और यहाँ पर रैंक एवरेज फॉर्मूले की मदद से भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि रैंक भी कैलकुलेट किया जा सकता है इजीली। तो देख सकते हैं ये कितना आसान है और इजीली ये हो जाएगा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा ये फंक्शन है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू का निशान लगाइए और लगाइए रैंक एवरेज, रैंक डॉट एवीजी फंक्शन लगाइए। एवीजी लगाना है आपको, ईक्यू नहीं लगाना है, एवीजी लगाना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पहला वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ये मार्क्स जो पहला वाला है परसेंटेज में दिया गया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉमा लगाइए और कॉमा लगा करके ये पूरी रेंज अब सेलेक्ट कर जाइए। आप चाहे तो ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर देने से ये फायदा होगा कि नीचे और भी नाम या मार्क्स आते चले जाएंगे तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। और अब इसको फ्रीज करना है, क्या करना है, फ्रीज करना है, तो F4 दबा के फ्रीज कर देते हैं। तो ये हो गया फ्रिज, अब इसको बंद करके एंटर करिएगा, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, ये सबका आता चला जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान है ये कैलकुलेट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।